हमारा दूसरा लेसन का नाम क्या है? द क्लेवर क्रैब। द क्लेवर क्रैब यानी कि चतुर केकड़ा। क्रैब यानी कि केकड़ा। क्या? केकड़ा। हमारे सेकंड यूनिट का नाम क्या है? द क्लेवर क्रैब। CLEVER क्लेवर यानी कि चतुर। क्रैब यानी कि केकड़ा। ओके, सब पॉइंट रिमेम्बर हो रहे हैं ना सभी बच्चों को? चलो आज हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आपको मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, ठीक है? ओके। वंस अ लार्ज, देखो मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ जिससे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चले, ठीक है? ओके, हम हर एक वर्ड का मीनिंग्स पता करेंगे, ठीक है? चलो। वन अ लार्ज नंबर ऑफ फिश लिव्ड इन अ पॉन्ड, यानी कि एक बार। वंस यानी कि एक बार, लार्ज यानी कि बड़ी, और एक क्या होता है लार्ज यानी कि बहुत सारी, और नंबर यानी कि संख्या, फिश यानी कि मछली, लिव्ड यानी कि रहना, पॉन्ड यानी कि तालाब। एक बार बहुत सारी मछलियाँ एक तालाब में रहती थी, ठीक है? वंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश लिव इन अ पॉन्ड, एक बार बहुत सारी मछलियाँ एक तालाब में रहती थी। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, चलो अब हमारा क्या है? वन ईयर देयर, देखो मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। वन ईयर देयर वर नो रेंस, एक बार क्या हुआ था? एक वर्ष, वन ईयर यानी कि एक साल। वन ईयर यानी कि एक साल, ठीक है? ओके, देयर वर नो रेंस, एक वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। देखो एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, और क्या हुआ था? एक वर्ष क्या हुई थी? बारिश नहीं हुई, ठीक है? फिर क्या होता है? सो द पॉन्ड वॉज ड्राइंग अप, इसलिए क्या हो गया था? तालाब सूख गया था। क्या हो गया था? सूख गया था। नियर द पॉन्ड देयर लिव्ड अ क्रेन, क्या हुआ था? तालाब के पास में एक क्या था? सारस था, यानी कि क्या था? सारस एक, हाँ। उसके बाद में इट वॉज वेरी क्लेवर, वो क्या था? बहुत ही चतुर था। सारस होते हैं ना, सारस एक क्रेन यानी कि एक ऐसे क्या बर्ड्स में आता है, ठीक है? ओके, चलो। तो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं आपको, ठीक है? द क्रेन दिख रहा है? द क्रेन वेंट टू द फिश एंड सेड, द क्रेन वेंट टू द फिश, यानी कि सारस क्या करता है? मछलियों के पास जाता है एंड सेड, डियर फ्रेंड्स यानी कि प्यारे मित्रों, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू, अस देयर इज नॉट मच वाटर इन पॉन्ड, यानी कि वो क्या बोलता है? प्यारे मित्रों, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि तालाब का पानी जो तालाब में है, ये जो आपके तालाब है उसमें क्या है? पानी नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? और सारा पानी सूख जाएगा और तुम क्या हो जाएगी? ये क्या बोलते हैं? ऑल द वाटर विल ड्राई अप एंड यू विल डाई। देखो, सोन ऑल द वाटर विल ड्राई अप एंड यू विल डाई। ओके, यानी कि क्या बोलता है कि पूरा पानी सूख गया है और तुम क्या हो जाओगी? तुम मर जाओगी, ठीक है? हम यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद का वीडियो मैं दूसरा समझाऊंगी आपको। ओके, क्लियर?